वेलकम टू एक्सीलेंस एकेडमी दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल को आप पीडीएफ के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, पीडीएफ जो है वो एक फॉर्मेट है, बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को अपनी असाइनमेंट के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल को पीडीएफ के जो एक्सटेंशन है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पास डाटा होना चाहिए, तो डाटा के लिए हम डमी टेक्स्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास जो है कुछ डमी टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन पे अवेलेबल हो चुका है। इस डमी टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करने लगे हैं पीडीएफ के अंदर। इसका बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप फाइल के बटन पे क्लिक करें और उसके बाद सेव एज के बटन पे क्लिक करें, और जहाँ पे आपको फाइल सेव करनी है आप वहाँ क्लिक करें और यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम दें। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फाइल का नाम है ABC, और यहाँ पर जो एक्सटेंशन है या सेव टाइप है, यहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन मौजूद होता है, तो आप यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट करें और इसको सेव कर लें। तो आपकी जो ये फाइल है वो पीडीएफ वर्जन में कन्वर्ट होके आपके सामने मौजूद है। अगर आप इन दोनों को यहाँ से क्लोज भी कर दें तो ये देखें, ABC की फाइल डेस्कटॉप पर आ चुकी है, और ये फाइल आप देख रहे हैं कि पीडीएफ के अंदर है। ये रीड ओनली है, इसके अंदर आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने में और जानने में ज़रूर हेल्प आउट साबित हुई होगी। और भी बहुत सारे तरीक़ेकार मौजूद हैं जो इंटरनेट के ज़रिए आप एमएस ऑफिस की फ़ाइल को पीडीएफ से कन्वर्ट कर सकते हैं। उनको फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।